ऑलमोस्ट 10 वीडियोस ग्रैनी, ईविल नन, ग्रैंडपा इनसे रिलेटेड है। ग्रैनी ने व्यूज लाना कभी बंद नहीं किया, सच में टॉप वीडियोस में ग्रैनी है मोस्टली। इन बुढ़े लोगों को ज्यादा ही कुछ प्यार दे दिया तुम लोगों ने। 24 नवंबर 2017 ये वो तारीख है जब ग्रैनी लॉन्च हुआ था एंड मैं उस टाइम 13-14 साल का था। एंड फरवरी 2018 में गूगल प्ले स्टोर पे सर्च किया भूत वाला गेम। आई नो ये थोड़ा स्टूपिड लग रहा है तुम्हें सुनने में, बट हाँ मैंने यही सर्च किया था एंड मेरे सामने सबसे पहला जो गेम आया था वो था ग्रैनी। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे ग्रैनी ने 2018 से 2021 तक के गेमिंग एरा को रूल करा एंड कैसे वो एकदम से ढप पड़ गया। तो जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो है व्हाई ग्रैनी बिकेम अ सेंसेशन इन इंडिया। वेल 2018 के एरा में तुम लोगों की जो सबसे पहली मोबाइल हॉरर गेम होगी वो पक्का ग्रैनी ही है। एंड तुम में से कई बंदे मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस ने वो गेम लॉन्च होते ही तुरंत खत्म कर दी थी। मुझे पता है तुम में से कई बंदों की फट के हाथ में आ गई थी उस टाइम में, मैं भी उनमें से एक हूं, और उस टाइम पे मेर से तो कतई भी ये पार नहीं हुई थी। एंड उस टाइम पर तो हर किसी के पास लो एंड डिवाइस था तो उसके अंदर ग्रैनी बड़े आराम से चल रही थी। एंड जब हमारी इस गेम से फट चुकी थी और हमसे ये गेम पार नहीं हो रही थी तो हमने डाला YouTube पे ग्रैनी एस्केप। अब कोई इस गेम में जंप स्केयर्स दे रहा था, कोई इस गेम की हिंदी डबिंग करके खेल रहा था एंड ऑल्सो इस गेम में रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, नानी, नाना या दादी या दादा, ये चार वर्ड्स ऐसे हैं जो तुम बोलते ही बोलते हो ये गेम खेलते खेलते। एंड ऑल्सो ग्रैनी ने उन दादियों की याद दिला दी थी जो एकदम अपने घर में स्ट्रिक्ट होती है। आई नो कईयों की दादी इतनी प्यारी होती है, भोली होती है, लेकिन कईयों की दादी मुफसट बुढ़ी होती है। अब जैसे जैसे इंडियन गेमर्स और इंडियन ऑडियंस ग्रैनी को खेल रही थी तो ग्रैनी का पीक पॉइंट भी आया और एक डिक्लाइन पॉइंट भी आया। अगर मैं सबसे पहले पीक की बात करूं तो 2018 के टाइम में बीस्ट बॉय चुप और हिंदुस्तान गेमर, मैंने इन दोनों की वीडियोस देखी थी ग्रैनी रिलेटेड। और मजे की बात भी देखो, ग्रैनी के तीन चैप्टर्स हैं एंड तीनों चैप्टर ने एक ना एक यूट्यूबर को तो उठाया ही है। उठाने से मेरा मतलब है कि जो आज मेन स्ट्रीम होके बैठे हैं वो इसी गेम के थ्रू सबसे ज्यादा व्यूज लेके बैठे हैं। तो जो सबसे पहली ग्रैनी है ग्रैनी 1, उससे हमारे बीस्ट बॉय चुप फेमस हुए थे। तो ग्रैनी जब मैंने खेलना शुरू करा था ना वो फेज था जब मेरे चैनल ने एक बहुत ही गंदे वाला बूस्ट मारा था। एंड ग्रैनी चैप्टर 2 जो कि 6 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था एंड उससे छप्पर फाड़ व्यूज मिले थे लाइव इंसान को। एंड लास्टली ग्रैनी चैप्टर 3 एंड इस गेम से फायदा हुआ था टेक्नो गेमर्स को। मैं ये देख के शोक रह गया था क्योंकि मेरे को लगा कोई GTA 5 की वीडियो होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा देखने वाली जो वीडियो है वो है ग्रैनी 3 की। ये तो बस मैंने तुम्हें ग्रैनी की पॉपुलैरिटी के बारे में बताया है कि जैसे जैसे ग्रैनी के नए नए अपडेट्स आते रहे, नए नए चैप्टर्स आते रहे, कैसे ग्रैनी ने एक पीक पकड़ी इंडियन गेमिंग के अंदर। इसके कुछ और भी रीजन है कि ये गेम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर थी, जैसे कि इसके अंदर वायरल चैलेंजेस करना, ग्रैनी के अंदर अंदर डिफरेंट मोड्स यूज करना, ग्रैनी पे मीम्स बनाना, ग्रैनी का स्पीड रन करना, ग्रैनी की फैन मेड बैक स्टोरी बताना एंड ग्रैनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंडिंग्स का आना। ये तो बस मैंने तुम्हें इतना बताया कि कैसे ग्रैनी ने एक पॉपुलैरिटी पीक पकड़ी इंडियन गेमिंग के अंदर। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे ग्रैनी की पॉपुलैरिटी में एक डिक्लाइन वाला ग्राफ भी आने लग गया। सबसे पहली चीज, कंटेंट फटीक एंड रिपीटेशन। जब ये गेम आए थे तब ये एकदम नए थे सबके लिए एंड कोई भी इसे आसानी से पार नहीं कर पाता था क्योंकि लोगों की फट जाती थी इस गेम से, क्योंकि एक मुफसट बुढ़ी जब तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हो तो तुम्हारी एंजाइटी पीक पर होती है, पर जब तुम किसी और को खेलते हुए देख रहे हो तो तुम्हें मजा आ रहा है, बट वो मजा भी लिमिटेड ही है क्योंकि एक ही चीज को बार बार करना या देखना उसमें तो कोई भी मजा नहीं है, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि इसके अंदर एक मुफसट बुढ़ी होती है जो कि तुम्हारा दिमाग खाती है, जो तुम्हारे पीछे पड़ती है, कहीं भी शोर मचाओगे तो वहां आती है। तो रिपीटेशन को टैकल करने के लिए जो इसके डेवलपर्स हैं उन्होंने एक नई गेम निकाल दी जिसका नाम था ग्रैनी चैप्टर 2, जिसकी वजह से इसने फिर से पीक पकड़ी थी, बट इसके साथ भी सेम ही सीन हुआ था, वही सब एंडिंग होना, वही सब लॉजिक लगना, वही सब डरावनापना एंड वही जंप स्केयर, बस और कुछ नया था ही नहीं इसके अंदर भी। एंड ऑल्सो ग्रैनी जैसे मार्केट में बतेरे गेम्स उतर चुके थे जैसे कि ईविल नन, आइसिस क्रीम, मिस्टर मीट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड टाइम के साथ साथ गेम की पॉपुलैरिटी का कम होना कोई बुरी बात नहीं है। अब तुम में से बतेरे बंदों ने कमला तो खेली ही होगी, वो भी ग्रैनी से इंस्पायर्ड है क्योंकि ग्रैनी के अंदर और कमला के अंदर सिमिलर चीज होती है, बस स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। ग्रैनी के अंदर या तो हमारी गाड़ी खराब हो जाती है या फिर हम ब्लॉक करने चल पड़ते हैं किसी घर के अंदर और वहां हमें कोई मुफसट बुढ़ी पकड़ लेती है एंड
कमला के अंदर तो तांत्रिक मांत्रिक का खेल है। वेल ग्रैनी की ये जो सीरीज है ना, इसके अंदर मेरे को सबसे बेस्ट गेम अब तक की लगी है ग्रैनी रीमेक, क्योंकि उस गेम के अंदर डेवलपर्स बहुत कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो मैप चेंज कर देते हैं, कभी वो एबिलिटीज डाल देते हैं, कभी वो डिफरेंट एंडिंग्स भर देते हैं। अभी हाल ही में एक नई एंडिंग आई है उसके अंदर, वो है पुलिस एंडिंग। उस एंडिंग के अंदर जो सबसे खराब चीज मेरे को लगी वो है उसका कटसीन ना होना। एटलीस्ट उस गेम के अंदर एक कटसीन होना चाहिए था, क्योंकि वो ग्रैनी रीमेक है, उससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ एक अच्छा सा कटसीन, एक लास्ट में मूवी चलेगी कि कैसे पुलिस ग्रैनी को अरेस्ट कर रही है और हमें बचा के ले जा रही है। बट नहीं, अपना टाइम बचाने के लिए उन्होंने लास्ट में बस सायरन के रेड लेफ्ट जो भी है रेड ब्लू लाइट चला दी बस, और काम खत्म और गेम खत्म। पता ग्रैनी से बढ़िया मेरे को कौन सी गेम सीरीज अच्छी लगती है, वो है फियर्स टू फैदम। बल्कि वो तो मेड इन इंडिया गेम भी है। क्या क्या बात कर रहे हैं अबे गधेड़ो, जाके ये वाली वीडियो देखो फिर। एंड अगर तुम्हें ग्रैनी रीमेक का गेम प्ले देखना है तो ये वाला देखो, एक्सट्रीम मोड। जाओ जल्दी अभी के अभी, मिस कर रहे हो तुम बहुत कुछ।